भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में शनिवार देर शाम चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक धीरज महानंद पर आरोपियों ने इतना वार किया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मृतक धीरज महानंद उर्फ टकला और हत्या के आरोप में बिलासपुर जेल में बंद था। कुछ दिन पहले ही वो छूट कर निकला था और बताया जा रहा है कि करीब 5 बजे मृतक धीरज महानंद ने एक युवक को कटर मारा था। इसकी खबर सुपेला पुलिस को मिली थी और पुलिस उसे तलाश कर रही थी, और इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि धीरज पर किसी ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, और तब तक सुपेला पुलिस जब तक वहां पहुंची धीरज मर चुका था। गौतम नगर का रहने वाला युवक धीरज है, जिसको यहां पर चाकू से मारकर घायल किया गया था। अस्पताल ले जाने पर उसकी मृत्यु घोषित की गई। घटनास्थल का मुआयना किया गया। यहाँ पास में जो खाली जगह है वहां पर कुछ धारदार जैसी चीजों से उस पर लगातार वार किए गए और ब्लड यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्पॉटिंग किए गए हैं और पतासाजी की जा रही है। जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। लक्ष्मी नगर आदर्श नगर का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर कुछ देर पहले एक हत्या हुई है, और हत्या भी उस व्यक्ति की हुई है जो पहले से आरोपी है, निगरानी सुंदर बदमाश है। लेकिन इस पूरी हत्या के पीछे की कहानी आपको बता रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है वो आपसी रंजिश से हुई है, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी, पुलिस तफ्तीश में लगी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि शाम ठीक 5 बजे के आसपास जो मृतक है धीरज महानंद टकला, उसने किसी को कटर मारा, और कटर मारने के बाद में वो इस एरिया में आया जहां आदर्श नगर आप देख सकते हैं, इधर पूरा पीछे अंधेरा है, पुलिस अपनी जांच भी जुटी हुई है, और इस एरिया में आकर के यहां पर बैठा हुआ था उन लोग वहां पर। इसी बीच कुछ लोग आए हैं और उसे चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी, और इतना ताबड़तोड़ वार किया कि जब वो सड़क पर पहुंचे तो खुनाखुन था। कुछ लोगों ने उसके भाई ने यहाँ पर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जाते जाते उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले के पीछे में जो दुश्मनी बताई जा रही है वो क्या है, क्या आपसी रंजिश थी, किसने मारा, क्या मारा, ये पुलिस अभी खुलासा करेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो मृतक है उस पर हत्या का पहले से मामला था, और वो कुछ महीने पहले ही बिलासपुर जेल से छूटा हुआ था, और उस पर भी कई मामले दर्ज थे। क्योंकि बैकग्राउंड जो है उसका आरोपी का, जो मृतक है वो आरोपी रहा है, उसका बैकग्राउंड भी आपराधिक रहा है, उसके छोटे भाई का भी रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो हत्या है इसके पीछे कहीं ना कहीं आपसी रंजिश की बात बताई जा रही है। उमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।